नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू करियर मंथर नाइन पॉइंट वन मैं रूपम यादव आपके लिए लेकर आई हूँ यू पी टी जी सी टी पी टी जो सीरीज चल रही थी कंप्लीट ऑथर इन ऑफ वीडियो सो गाइस उसी में लेकर आई हूँ चार्ल्स लैम चार्ल्स लैम से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और अगर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती है लाइक किया करें कॉमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी लगी सो so, दोस्तों देखिएगा फर्स्ट फैक्ट है हु कॉल्ड लैम द जेंटल हार्टेड चार्ल्स सो कॉलरेज हमारे जो हैं वो बोलते हैं जेंटल हार्टेड चार्ल्स ठीक है कॉलरेज सो नेक्स्ट वन इज हु लैम लैम एज अ द फ्रोलिक एंड द जेंटल सो वर्षवत बोलते हैं कि लैम द फ्रोलिक एंड द जेंटल कौन बोलता है वर्षवर्ध बोलते हैं किसको बोलते हैं चार्ल्स लैम को बोलते हैं ओके okay? और कॉलरेज क्या बोलते हैं द जेंटल हार्टेड चार्ल्स नेक्स्ट है एसेज ऑफ इलिया एपियर्ड इन सो एटीन ट्वेंटी में एसेज ऑफ इलिया नाम का इनका वर्क आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट वन इज लास्ट एसे ऑफ इलिया एपियड इन 1833 थर्टी एलिया क्या था एक्चुअली कि इन्होंने एक पेन नेम जिसे कहते हैं ना अज्यूम कर लेते जो नेम वो कर रखा था तो ऐसेज ऑफ इलिया के नाम से ये लिखा करते थे नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस एस एज ए स्टे इज़ कॉल्ड सो चार्ल्स लेम ओके नेक्स्ट वन इज द एश ऐसे द सुपर सुपर एनुएटेड मैन इज ऑथर्ड सो लैम ठीक है ऐसे था एक सुपर एनुएटेड मैन सो किसके द्वारा ऑथराइज किया गया था लैम के द्वारा नेक्स्ट वन इज लैम बिगेन हिज करियर एज अ सो एज अ पोइट ओके एज अ पोइट इन्होंने अपने करियर को बिगिन किया था किसने ने नेक्स्ट वन इज ऑल आर गोन द ओल्ड फैमिलियर फेसेस दिस लाइन इज फ्रॉम द पेन ऑफ लैम ओके लैम की उससे लिखी गई थी ये लाइंस ऑल आर गोन द ओल्ड फैमिलियर फेसेस नेक्स्ट वन इज लैम्स प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजालिन ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट सेवनटीन नाइनटी सेवन इज आ क्या था अ नोवल ठीक है एक नोवल था अ टेल ऑफ रोजालिन ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गेट सो कब आया था ये 1797 में आया था क्या था एक नोवल था किसका था लैम का था लैम्स प्रोज वर्क था ओके सो नेक्स्ट वन इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 जीरो सेवन रिटेन कोलेबोरेशन हु वर द कोलेबोरेटर्स सो लैम एंड हिज सिस्टर मैरी इनकी सिस्टर थी मैरी और ये थे चार्ल्स लैम तो इनका एक कोलेबोरेटेड वर्क था कौन सा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कब आया था 1807 में ये आया था ओके सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा वीडियो को एंड तक जरूर देखा करेगा इस तभी आपको क्लियर होगा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी इसी वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं सो नेक्स्ट वन इज द साउथ सी हाउस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द लंडन मैगजीन अगस्त एटीन ट्वेंटी ओके तो जो द साउथ सी हाउस था वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था इनका एक वर्क था साउथ सी हार्क्स वो कब हुआ था पब्लिश अगस्त एटीन ट्वेंटी में हुआ था किसमें हुआ था लंडन मैगजीन में हुआ था नेक्स्ट वन इज विच कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन सेवनटीन टेन विद द प्रोमिस ऑफ अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद द साउथ अमेरिकन कॉलोनीज सो साउथ सी कंपनी ओके साउथ सी कंपनी थी उसी के ऊपर साउथ सी हाउस एटीन में पर, पब्लिश होता है क्या सो हॉस्पिटल एंड फाइव एंड थर्टी ईयर्स एगो वॉज पब्लिश में हुआ था लंदन मैगजीन में हुआ था नेक्स्ट वन इज रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल रिटिन बाई ले जो रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल था मतलब पहले क्राइस्ट हॉस्पिटल पे ये वर्क लिख चुके थे क्योंकि फाइव एंड थर्टी ईयर्स है को एटीन ट्वेंटी नवंबर में लिखा था और नेक्स्ट फिर उसी के ऊपर इन्होंने लिखा था रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल सो ये भी लैंग का ही वर्क था नेक्स्ट वन इज रैम लैम कंटीनिब्यूटेड हा टू क्रिटिकल एसिस ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ एंड ऑन द ट्रेजडीज ऑफ शेक्सपियर स टू देयर फिटनेस फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन ऑन टू लीग हॉन्ट सो द रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर का बर्थ था नेक्स्ट वन इज लैम ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड इन राइटिंग प्लेस इन एटीन जीरोप्टेड एट ड्री लेन वट इट वॉज अ फेलर सो नेम दिस्टर एच मिस्टर से इन्होंने एक फार्स लिखा था जो कि क्या हो गया था फेलर रहा था नेक्स्ट वन इज हु कम्पोस्ट द पोएम अ फेयरवेल टू टोबैको अ फेयरवेल टू टोबैको किसने लिखी थी तो ये भी हमारे जो लेम्प थे उन्हीं का ये वर्क रहा है फेयरवेल टू टोबैको नेक्स्ट वन इज गाइज सी लेम्प्स एंड अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अ फ्रेंड वट दिस फ्रेंड डिक्लाइन द प्रपोजल हु वॉज दिस फ्रेंड सो मिस कैली नाम की एक फ्रेंड थी इनकी उनको इन्होंने मैरिज का प्रपोजल भेजा था वट उन्होंने क्या कर दिया था इनकार कर दिया था डिक्लाइन कर दिया था उसको ओके नेक्स्ट बने इस हु वॉज द एडिटर ऑफ लंडन मैगजीन सो जॉन स्कॉट नाम के एक राइटर थे वो क्या थे लंडन मैगजीन को क्या करते थे एडिट करते थे नेक्स्ट बनेज लेम्स फर्स्ट ए सी नेम ऑफ इलिया जो नेम ऑफ इलिया मैंने बताया था एसेज ऑफ इलिया के नाम से इनके वर्क वगैरह आए हैं तो एक एलिया नाम का इन्होंने वर्क नेम अज्यूम किया था तो वो कहाँ से किया था अब पेन नेम क्या था ये पेन नेम था फॉरिस वर्क सो दिस एलिया वॉज एन इटालियन पर्सन हु वॉज सो कौन था एक इटालियन पर्सन था ये इलिया नाम का सो क्या था वो अ फेलो क्लर्क एट द सी हाउस ठीक है सी हाउस में ही एक, क्या था एक फेलो क्लर्क था और उसी के नाम को इन्होंने एज्यूम कर रखा था नेक्स्ट वन इज सी सो सेटन इन सर्च ऑफ अट्टीन थर्टी थ्री अ कॉमेडी ऑफ द डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाई सो लैम नेक्स्ट वन इज एंड लैम दोलिक एंड द जेंटल हाउ फ्रॉम लोनली हार्टीज लाइन दर्ड बर्ड्स वाइन्स लिखी गई नेक्स्ट वन इज चार्ल्स लैम टू दो जस्टली डियर फॉर रेरेस्ट जीनियस एंड फॉर स्टर्लिंग वर्थ हुट साउथी रॉबर्ट सौदी नाम के एक मतलब फ्रेंड रहे हैं वर्ड्सवर्थ के काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे जिनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट भी बोला जाता है वर्ड्सवर्थ कॉलेज और रॉबर्ट सौदी तो ये उनकी द्वारा लिखी गई लाइन से चार्ल्स के लिए लिखी है नेक्स्ट वन इज देयर आर असिस्ट लाइक बेकन ठीक है कह रहे हैं कि अगर यहां पर क्या है असिस्ट एस, है किसकी तरह बेकन की तरह ऑफ मोर मैसिव मोर मैसिव है ग्रेटनेस है न अटेन लॉफ्टियर हाइट्स ऑफ एलोक्वेंस वट हियर इज ऑन अदर हैज इन एंड इक्वल डिग्री द पावर ऑफ चार्म ठीक है हुज कमेंट इज दिस सो ह्यू वॉकर करते हैं किसके लिए चार्ल्स लेम के लिए कमेंट करते हैं कि कुछ तो ऐसे हैं किसकी तरह हैं वो बेकन की तरह कैसे मोर मैसे हैं ग्रेटनेस है, है उनके अंदर एंड अदर्स लाइक सर थॉमस ब्राउनी की तरह भी हैं हु कैन अटेन लॉफ्टी लॉफ्टियर हाइट्स ऑफ एलोक्वेंस बट हियर इज ऑन अदर हु हैज़ इन एंड इक्वल डिग्री द पावर ऑफ चाम ठीक है मतलब उन्हीं की समतुल्य एक डिग्री रखते हैं उस तरीके के ही बिल्कुल राइटर हैं

नो एसेस्ट इज मोर इगोटिस्टिकल दैट लैम ठीक है वट नो इगोटिस्ट कैन बी शो आर्टलेस एंड यट शो आर्टफुल सो ट्री टीयरफुल एंड यट सो मर्थफुल सो पेडेंटिक एंड येट सो ह्यूमन हूज कमेंट इज दिस सो ई अल्बर्ट का कमेंट रहा है किसके ऊपर चार्ल्स लेम के ऊपर नेक्स्ट वन इज इन विच एसेज डज लेम टेल अस हिज गुड वाई टू द ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इन्होंने अपने ऐसे में एक में कहा है कि गुड बाय टू ईस्ट इंडिया कंपनी सो द सुपर एनुएटेड मैन द सुपर एनुएटेड मैन करके जो इनका एक वर्क था उसमें इन्होंने ये कहा है है ठीक ऐसे था नेक्स्ट वन इज लैम्ब स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ लोबल ठीक है नेक्स्ट वन इज लैम्स सिस्टर मैरी एपियर्स एज कजिन ब्रिगेड I quoted the fair Alice. V and and as much as children could understand, I explained to them what con what coyness and difficulty. And Daniel meant in mad uh, who shall lamb in dream children. Ma lamb कहते हैं कि dream children में. जबकि ड्रीम चिल्ड्रन मतलब जो वर्क था वो उनका क्या था ऐसे दिखाया गया कि जैसे real है वॉट इनकी तो शादी वादी नहीं हुई थी ना ही बच्चे थे Next one is his great and dear spirit haunts me. I cannot think a uh, thought. I cannot make a criticism on men or books without an ineffectual uh, turning to him who was the touchstone of all my uh, cogitance uh, He was a Gracian at Christ's Hospital, where I was deputy Gracian, and the same subordination and deference to him I have pres uh, preserved. थ्रू अफ लॉन्गें कॉलरिज के लिए बोली है सो नेक्स्ट वन इज लैम्ब इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन आइडेंटिफाई दर्सन सो हिज ओन मदर अपनी माँ के बारे में वो साइलेंट रहते हैं कुछ भी आइडेंटिफाई करने को अग्री नहीं होती नेक्स्ट वन इज गॉड है माई सेंसेस आई ईट एंड ड्रिंक एंड स्लीप एंड हैव माई जजमेंट आई बिलीव वेरी शाउंड हु रोट दीज वर्ड्स सो लेम इन आ लेटर टू कॉलरेज लेम एक वर्क लिखते हैं लेटर टू कॉलरेज उसमें ही बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ प्रिजर्व कर सकता हूँ टू मी माई सेंसेस आई ईट मतलब जो सेंस ऑफ ऑर्गेंस होते ना उसके बारे में कह रहे हैं ईट कर सकता हूँ मैं ड्रिंक कर सकता हूँ स्लीप कर सकता हूँ एंड हैव माई जजमेंट और अपना फैसला भी सुना सकता हूँ बिलीव वेरी साउंड नेक्स्ट वन इज नाउ देयर आर सम थिंग्स विच गिव नो ऑफेंस मतलब कुछ चीजें हैं बट वो कह रहे हैं कोई ऑफेंस आफ, आफ, नहीं देती और टेकन फॉर ग्रांटेड मेयरली वट एक्सप्रेस देयर इज मच ऑफेंस इन देम सो हु इन अ बैचलर्स कंप्लेंट एक वर्क एंड का बैचलर्स कम्पलेंट उसमें ये बोलते हैं नेक्स्ट वन इज हु प्रिफर्ड लैम द क्रिटिक ऑफ द क्रिटिक टू लैम्ब द एसिस्ट सो प्रोफेसर ओलीवर एल एल्टन ओके नेक्स्ट बन इस हुपेसीमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स सो लेम बोलते हैं नेक्स्ट बन इसकी काफ़ी बड़ी कोट रही है लियर लियर इज एसेंशली इम्पॉसिबल टू बी represented on the stage on the stage we see nothing but corporal infirmities and weakness the importance of a race while we read it we see not leer what we are near him we are in his mind we are sustained by a grandeur which favors waffles the malice of daughters and storms in a इन द एबीरेशंस ऑफ हिज रीजन बी डिस्कवर अ माइटी इेगुलर पावर ऑफ रीजनिंग हुज कॉमेंट इज दिस अबाउट किंग लियर सो बोलते हैं चार्ल्स लैम किंग लियर किसका वक्त था आप अच्छे से जानते होंगे विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजडीज़ में से एक मानी जाती है किंग लियर सो लेम अपना इतना लंबा चौड़ा कमेंट उस पर करते हैं नेक्स्ट वन इज एज दे आर विदाउट ह्यूमन पैसंस सो दे सीम टू बी विदाउट ह्यूमन रिलेशन ठीक है जिनके अंदर वो विदाउट ह्यूमन पैसंस के हैं सो दे सीम और उनके अंदर प्रतीत नहीं होता क्या विदाउट ह्यूमन रिलेशन सो उनके पास रिलेशंस भी नहीं है दे कम विद थंडर एंड लाइटनिंग एंड वैन टू एरी म्यूजिक ठीक है मतलब वो भूत प्रेतों की तरह है थंडर होता है लाइटिंग होती है ऐसे जैसे भूत प्रेत आते हैं ना उस तरीके के लोग हैं जिनके अंदर ह्यूमिनिटी का पैशन नहीं है और रिलेशंस भी नहीं है तो वो इस तरीके के लोग होते हैं दिस इज द कमेंट अबाउट शेक्सपियर शेक्सपियर के ऊपर कमेंट किया है इन्होंने हैक्स एंड विचे सो हुज कमेंट इज दिस सो चार्ल्स लैम का कमेंट रहा है क्योंकि विचेज किस में दिखाई है मैक में दिखाई है थंडर एंड वो दिखाया गया है नेक्स्ट वन इज हु ऑथर्ड द ऐसे आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी क्या नाम है आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी क्या है ये एक द्वारा लिखा गया के सब है सबसे ज्यादा ऐसे इन्होने लिखे हैं काफी जो तो इनको प्रिंस ऑफ एसिस कहा जाता है फादर ऑफ एसिस आप जानते होंगे कमेंट करके बताइएगा फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट है एज अस्टाइलिस्ट ही डज वॉक इन दास्ट गैदरिंग टू हिमसेल्फ द्लीजेंट ट्रिक्स एंड Mannerism of bygone writers, just as a girl plucks flowers instinctively that blend with her looks and carries the blossoms, are culled from other men's gardens. What they are blending is all lamb's own. His style is a mixture, certainly, of my styles. वट अ केमिकल नॉट मैकेनिकल मिक्सचर दिस सो कॉम्पटन रिकेट का कमेंट रहा है किसके ऊपर चार्ल्स लैम के ऊपर सो नेक्स्ट वन इट इज इन प्रोज दैट दैट लैम लैम द पोइट इज टू बी फाउंड हु शेड सो जॉर्ज सैमसन कहते हैं ओके जॉर्ज सैमसन कहते हैं इट इज इन प्रोज दैट लेम द पोइट इज टू बी फाउंड नेक्स्ट वन इज Ilya's style is the only thing in English prose that can be called absolutely perfect. So, whose comment is this? J.C. Posse. Next one is, To Lamb, his London home was a great and inspiration as his mountain home to Wordsworth who shared so Samson. he in, -ko -bolte in lines ko. नेक्स्ट वन इज गाइस लैम्ब है लिस्टिफाइंग एंडिंग द रीडर्स ऑन अ फॉल्स नेक्स्ट वन इज गाइस इन विच ऐसे डैम्ब यूज द इमेजनरी लेटिन नेम्स टेस्टेसिया एंड सेरेसिया सो अ बैचल कंप्लेंट सॉरी तो उसमें ये नेम यूज करते हैं इमेजनरी हैं लेटिन नेम से कौन से टेस्टेशिया एंड सेरेशिया कितने अच्छे नेम अज्यूम किए नेक्स्ट वन इज ब्लू हिज क्वाइट हिज क्वाइटनेस एंड हिज ह्यूमर देयर लाइज अ जेनुअनली जेनुअली ट्रेजिक एलिमेंट हु शेड्स ऑफ पेटर कहते हैं नेक्स्ट वन इज द पोइम्स ओल्ड फैमिलियर फेस ओल्ड फैमिलियर फेस एंड हेस्टर आर लिरिकल

नेक्स्ट वन इज लैम वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई सर थॉमस ब्राउनी सर थॉमस ब्राउनी जो थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसड थे नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन लव टू लिशन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स वैन वर चिल्ड्रन मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने एल्डर्स के बारे में स्टोरीज सुनते हैं सो तो लेम ने किस में लिखा है ये लेम इन ड्रीम चिल्ड्रन ड्रीम चिल्ड्रन में लिखा है और सच में होता है सर रियल लाइफ में भी जब हम छोटे होते हैं तो अपने बड़ों के बारे में स्टोरीज सुनते रहते हैं नेक्स्ट वन इज मैरिज वाई इट्स बेस्ट टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स शॉर्ट हु अ बैचलर्स कंप्लेंट ओके बैचलर्स कंप्लेंट में लैम बोलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन हैव अ रियल कैरेक्टर एंड एन एसेंशियल बीइंग ऑफ देमसेल्व्स दे आर एमिएबल और अनएमिएबल पर शी आई मस्ट लव और हेट देम एज आई शी कॉल फॉर ईदर इन कंप्लेन में नेक्स्ट वन इज जोसेन विंस्टेनली अपियर इन वन ऑफ लैम्स एसेज फाइंड इट आउट सो मॉडर्न गैलेंट्री मॉडर्न गैलेंट्री में ये लिखा जाता है नेक्स्ट वन इज द इज दैट हैड लॉन्ग फेडेड स्टिल ब्लूम्ड फॉर हिम इन दोज विद विदर्ड एंड येलो चीक्स दिस लाइन इज इन मॉडर्न गैलेंट्री ठीक है मॉडर्न गैलेंट्री की ये लाइन है और मॉडर्न गैलेंट्री की ही ऊपर की लाइन है ये कैरेक्टर्स हैं जोसेफ पे ठीक है एंड शोशन विंसली एपियर इन वंस ऑफ लैम्स ऐसे इनका ऐसे था मॉडर्न गैलेंट्री उसी में दिखाई देते हैं ये लाइन्स हैं जो कि मॉडर्न गैलेंट्री से और नेक्स्ट लाइन भी जो वो हैं वो भी मॉडर्न गैलेंट्री से सो देखिए लेटर फर्स्ट लेसन बी विद स्वीट सुसन विंसले टू टू रिवरेंस हर सेक्स सो दिस लाइन इज इन मॉडर्न गैलेंट्री नेक्स्ट इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट स्टूल सम। आई एम अ फूल स्टूल टम का मतलब होता है आई एम अ फूल ओके नेक्स्ट वन इज एम पी

लैम्स लैम्स स्टाइल, स्टाइल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इज इट विच इट इज द एक्सप्रेशन हुज़ कमेंट इज दिस वॉकर का ये कमेंट रहा है कि लैम का स्टाइल कैसा है इंस्प्रेबल है मतलब सीख लेने योग्य फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज एक्सप्रेशन नेक्स्ट वन इज द पेन नेम इलिया वॉज बोरोड बाई लैम्प ठीक है लैम के द्वारा एक नेम लिया गया था एलिया वॉज बोरोड बाई लैम फ्रॉम एन इटालियन क्लर्क इन साउथ सी हाउस नेम्ड एलो उनका नेम क्या था एलो नेम था उनका ठीक है एलो सो गाइस आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट किया करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू